मॉर्निंग स्टूडेंट, फर्स्ट लेक्चर आप लोग ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में पढ़े थे, जिसे एफ एक्स का ग्राफ दिया हुआ है और एफ माइनस एक्स का ग्राफ आप लोगों को बताने की जरूरत है। तो इसके अबाउट हम लोग क्या कर देंगे, मिरर इमेज ले लेंगे। माइनस एफ एक्स का ग्राफ हम लोगों को पूछेगा तो हम लोग क्या करेंगे, एक्स एक्सिस के अबाउट हम लोग इसका मिरर इमेज, ये सब हम लोग फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा चुके हैं। आज हम लोग और भी इसके बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि थर्ड ऐसा भी फंक्शन आएगा जब एफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स के इक्वल आ जाए, ऐसा भी कोई ग्राफ हो सकता है। तो इसमें क्या हो रहा है, देख रहे हैं कि माइनस एफ एक्स, जब एफ एक्स का ग्राफ हम लोग पता था, माइनस एफ एक्स का ग्राफ हम लोग खींच रहे थे, तो वाई एक्सिस के अबाउट क्या हो रहा था, मिरर इमेज हो रहा था। तो ऐसे फंक्शन को हम लोग कहते हैं इवन फंक्शन, इवन फंक्शन। तो ये क्या होगा, इसका ग्राफ हम लोग खींचेंगे तो ये सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस होगा, सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस होगा। मतलब एफ माइनस एक्स का ग्राफ खींचने के बाद और एफ एक्स का ही ग्राफ आ जाए, मतलब वाई एक्सिस के बाद मिरर इमेज लेंगे तो उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़े, तो ऐसे फंक्शन को हम लोग इवन फंक्शन कहते हैं। और भी एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, एग्जाम्पल से एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो यदि हम एक्स के रिप्लेस पर माइनस एफ एक्स रिप्लेस करेंगे तो इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा और ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा, मीन्स फिर इससे क्या आ गया, एफ एक्स आ गया। तो ऐसे फंक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, इवन फंक्शन कहते हैं। इसका हम लोग ग्राफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ हम लोग जानते हैं, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ क्या होगा, ये होगा पैराबोला। और ये क्या हो, वाई एक्सिस के अबाउट इसको मिरर इमेज लेंगे तो इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मींस क्या होगा कि दोनों तरफ रोटेशन भी करेंगे तो इसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और भी एग्जांपल हम लोग लेते हैं, जैसे एफ एक्स इक्वल टू यदि कोसेक्स का ग्राफ हम देखते हैं, एफ एक्स इक्वल टू कोसेक्स का ग्राफ हम लोग देखते हैं, यदि f में माइनस एक्स रिप्लेस करेंगे तो इस पे माइनस एक्स और ये कोसेक्स के इक्वल ही आ जाएगा, मीन्स ये क्या है, इवन फंक्शन है। इसका ग्राफ हम लोग देखेंगे, इसका ग्राफ क्या होगा, y एक्सिस के अबाउट इसका क्या होगा, मिरर इमेज होगा, मीन्स जो इधर y एक्सिस में है और इस साइड भी यही है ना, मतलब f माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स आ जाए तो ऐसे कि इवन फंक्शन कहते हैं। इसको याद रखना है कि सिमेट्रिकल अबाउट क्या होगा, वाई एक्सिस होगा, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट ग्राफ हम लोग देखते हैं, फोर्थ नंबर, यदि ऐसा फंक्शन रहे कि f माइनस एक्स करने के बाद माइनस एफ एक्स के इक्वल आ जाए तो ऐसे फंक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, ऑड फंक्शन कहते हैं। ऐसे फंक्शन को हम लोग ऑड फंक्शन बोलते हैं। ये क्या होता है, सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन, मतलब यदि कोई फंक्शन में एफ माइनस एक्स करने पर माइनस एफ एक्स के इक्वल आ जाए तो वैसे फंक्शन का ग्राफ जो होता है सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन या अपोजिट टू द क्वाड्रेंट ना। इसका एग्जांपल हम लोग देखते हैं, सबसे इजी एग्जांपल एफ एक्स इक्वल टू दी एक्स ले, तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स में क्या हम लोग देख रहे हैं, यदि माइनस एक्स इसमें रिप्लेस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस एक्स, जो कि क्या है, माइनस एफ एक्स के इक्वल है। ऐसे फंक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, ऑड फंक्शन कहते हैं। इसका ग्राफ क्या होगा, इसका ग्राफ क्या होगा, ओरिजिन के अबाउट क्या रहेगा, सिमेट्रिकल रहेगा, मतलब जो इधर रहेगा। और ये भी कह सकते हैं कि इस ग्राफ में क्या हम लोग देख रहे हैं कि अपोजिट क्वाड्रेंट के अबाउट सिमेट्रिकल है। नेक्स्ट हम लोग और भी ग्राफ देख रहे हैं, सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं। यदि सेकेंड एग्जाम्पल हम लोग लें कि एफ एक्स इक्वल टू टेन एक्स, तो एफ एक्स इक्वल टू टेन एक्स क्या है, ये भी क्या होता है कि ओरिजिन के अबाउट क्या रहता है,
सिमेट्रिकल होता है। तो हम लोग दो ग्राफ देखें कि यदि एफ एक्स माइनस करने पर एफ एक्स की इक्वल आ जाए तो इवन फंक्शन कहते हैं, और एफ माइनस एफ एक्स करने पर माइनस एफ एक्स की इक्वल आ जाए तो ऑड फंक्शन कहते हैं। तो ये सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन होता है और ये सिमेट्रिकल अबाउट ये होता है। नेक्स्ट हम लोग फोर्थ नंबर फिफ्थ नंबर, यदि ऐसा रहे ट्रांसफॉर्मेशन में कि प्लस माइनस ए, यदि कोई ग्राफ में है ना, पहले हम लोग ओनली क्या कर रहे थे माइनस एफ एक्स या एक्स इक्वल कर रहे थे, अब यदि एक्स में प्लस माइनस ए यूनिट क्या रहे ऐड या सब्ट्रैक्ट रहे, तो हम लोग उसका ग्राफ हम लोग किस तरह से बना सकते हैं। तो पहले हम लोग देखते हैं कि एफ एक्स इक्वल टू यदि मॉड एक्स का ग्राफ खींचा जाए, तो आप लोग 11th क्लास में पढ़ चुके हैं कि मॉड एक्स का ग्राफ क्या होगा। यदि आप लोगों को ये कहा जाए कि एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स प्लस टू का ग्राफ खींचिए, तो एक्स प्लस टू का ग्राफ क्या होगा कि यदि यहाँ एक्स इक्वल टू जीरो हो रहा था, यहाँ एक्स प्लस टू है तो माइनस टू है ना, माइनस टू इक्वल टू जीरो होगा, इसका शिफ्ट जो कर जाएगा ग्राफ माइनस टू यूनिट कर जाएगा। यदि एफ एक्स इक्वल टू, यदि एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स माइनस टू का ग्राफ खींचने के लिए बोला जाए, तो इसमें क्या होगा ये ग्राफ टू यूनिट क्या होगा एक्स एक्सिस में शिफ्ट हो जाएगा, मतलब टू के अबाउट क्या होगा ये जीरो होगा। तो ये ग्राफ मतलब इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं कि एफ एक्स प्लस ए का ग्राफ हम लोग को पूछा जाए तो हम लोग क्या कर सकते हैं, शिफ्ट द ओरिजिन, शिफ्ट द ग्राफ एफ एक्स बाय माइनस प्लस ए यूनिट अलोंग एक्स एक्सिस। मीन्स हम लोग क्या प्लस, यहां यदि प्लस रहेगा तो माइनस की ओर शिफ्ट करेगा, यदि यहाँ प्लस है तो प्लस एक्स प्लस टू है, इधर माइनस टू के अबाउट माइनस टू शिफ्ट करेगा, यदि यहाँ पर माइनस है तो प्लस टू के अबाउट क्या होगा शिफ्ट होगा। मीन्स यदि एफ एक्स प्लस माइनस ए ग्राफ रहेगा तो शिफ्ट द ग्राफ ऑफ एफ एक्स बाय ए यूनिट अलोंग एक्स एक्सिस, ये इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग को याद रखना है यदि कोई ए यूनिट यहाँ पर एड रहे तो प्लस रहे तो माइनस ए यूनिट शिफ्ट होगा, यदि माइनस है तो प्लस ए यूनिट अलोंग एक्स एक्सिस ग्राफ क्या होगा शिफ्ट होगा। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। और भी हम लोग ग्राफ देखते हैं, यदि कोई आप लोगों को ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन में आप लोग को एफ एक्स इक्वल टू माइनस लॉग एक्स माइनस वन का ग्राफ आप लोगों को खींचने के लिए बोला जाए, तो हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से हम लोग किस तरह से माइनस लॉग एक्स माइनस वन का ग्राफ हम लोग खींच सकते हैं। तो सबसे पहले एफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स का ग्राफ खींचेंगे, तो हम लोग जानते हैं एफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स का ग्राफ ये होगा, और यदि हमको बनाना है माइनस लॉग एक्स माइनस वन का ग्राफ हम लोग को बनाना है, तो एफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स बना दिए और एफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स माइनस वन का ग्राफ सेकंड बनाएंगे, तो अब ए यूनिट एक्स माइनस वन है तो वन यूनिट क्या होगा इसका शिफ्ट हो जाएगा। मीन्स यहां पर है ना वन पर जीरो हो रहा था तो वन यूनिट शिफ्ट होगा तो टू पर जीरो होगा, टू पर जीरो होगा, मीन्स ग्राफ क्या होगा टू यूनिट क्या होगा शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग एफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स का ग्राफ है तो वन यूनिट होगा, एफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स माइनस वन का ग्राफ है तो टू यूनिट क्या होगा यहां पर ग्राफ शिफ्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट हम लोग एफ एक्स इक्वल टू माइनस लास्ट में लॉग एक्स माइनस वन का ग्राफ खींचना चाहते हैं, तो माइनस माइनस लॉग एक्स माइनस वन है तो ये माइनस है तो क्या होगा कि एक्स एक्सिस के अबाउट इसका क्या होगा मिरर इमेज हो जाएगा। मींस
जो ग्राफ ये था वो एक्स एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज हो जाएगा, मींस अब क्या हो जाएगा, इस तरह से ग्राफ ये हो जाएगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से एफ एक्स इक्वल टू माइनस लॉग एक्स माइनस वन का ग्राफ हम लोग आराम से खींच सकते हैं। यदि नेक्स्ट ये बोला जाए कि एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस पाई बाय टू का ग्राफ क्या होगा, हम लोग को शिफ्टिंग मेथड से साइन एक्स प्लस पाई बाय टू का ग्राफ हम लोग को खींचना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ खींचेंगे। तो एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ जैसा कि हम लोग जानते हैं, साइन एफ एक्स इक्वल टू ये होगा, मीन्स यहाँ पर क्या होगा जीरो, यहाँ क्या होगा पाई बाय टू, यहाँ पाई, यहाँ पर टू पाई, यहाँ पर होगा माइनस पाई बाय टू और यहाँ पर माइनस पाई। तो एक्स प्लस पाई बाय टू है तो पाई बाय टू यूनिट क्या होगा शिफ्ट होगा ग्राफ, मीन्स अब जीरो पर जीरो हो रहा था तो अब पाई बाय टू हम लोग शिफ्ट करेंगे तो पाई बाय टू पर जीरो होगा। मीन्स ग्राफ यदि एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस पाई बाय टू हम लोग करते हैं तो माइनस पाई बाय टू यूनिट क्या होगा ग्राफ का शिफ्ट हो जाएगा। तो अब हम लोग का ग्राफ ये माइनस पाई बाय टू कहाँ चल जाएगा, जीरो पर चल जाएगा, मीन्स ये ग्राफ इस तरह से हो जाएगा, है ना। मतलब एक्स साइन एक्स प्लस पाई बाय टू है तो अब ये जीरो पाई बाय टू कहाँ होगा, पाई बाय टू जीरो, मतलब ये पाई बाय टू कहाँ हो जाएगा, ओरिजिन पर हो जाएगा। तो ये किसका ग्राफ है हम लोग जानते हैं, ये क्या है कोस एक्स का ग्राफ है, तो होना भी चाहिए साइन एक्स प्लस पाई बाय टू थीटा क्या होता है कोस थीटा होता है, जो कि ये कोस एक्स का ग्राफ हम लोग को बन गया। तो हम लोग देख रहे हैं कि शिफ्टिंग मेथड से भी हम लोग कोस एक्स का ग्राफ नहीं जानते हैं तो शिफ्टिंग मेथड से भी कोस एक्स का ग्राफ हम लोग बता सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग यदि ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन में एफ एक्स इक्वल टू, यदि एफ एक्स प्लस माइनस ए, मतलब इस बार इनपुट नहीं आउटपुट में ऐड या सबट्रैक्ट हो, तो हम लोग का किस तरह से ग्राफ को हम लोग बना सकते हैं, इसमें क्या होगा शिफ्ट द ग्राफ ऑफ एफ एक्स बाय प्लस माइनस ए यूनिट अलोंग वाई एक्सिस। मतलब यदि पहले हम लोग इनपुट में प्लस माइनस था, मीन्स हम लोग क्या देख रहे थे एफ एक्स प्लस माइनस ए था, अब क्या है आउटपुट में ए यूनिट एड है, तो क्या हो जाएगा शिफ्ट द ग्राफ ऑफ एफ एक्स बाय प्लस माइनस ए यूनिट अलोंग द वाई एक्सिस। हम लोग इसका देख रहे हैं, यही हम फॉर्म लेते हैं वाई इक्वल टू मोड एक्स का ग्राफ, तो मोड एक्स का ग्राफ वाई इक्वल टू क्या होता है ये होता है। यदि हम लोगों को ये बोला जाए एफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स प्लस टू का ग्राफ क्या होगा, तो अब यदि एक्स के अबाउट ये जीरो होता है तो अब क्या होगा कि आउटपुट में टू यूनिट ऐड हो गया है, तो आउटपुट में टू यूनिट ऐड हो गया है तो इसका ग्राफ क्या होगा टू यूनिट सारा ग्राफ क्या होगा शिफ्ट हो जाएगा, मतलब ये पॉइंट यहाँ चल जाएगा, ये पॉइंट अब यहाँ चल जाएगा, मतलब टू यूनिट ग्राफ क्या होगा शिफ्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन यदि ऐड है तो शिफ्ट द ग्राफ ऑफ एफ एक्स बाय प्लस माइनस यूनिट अलोंग द वाई एक्सिस। और भी नेक्स्ट क्लास में हम लोग और भी ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।